करीब 10 घंटे और 11 मिनट और गेंदों की बात करें तो 422। भारत में आकर टेस्ट में एक ऐसी पारी खेल देना अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाली बात, समय के हिसाब से भी और गेंदों के लिहाज से। रन कुल बनाए 180। भारत में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। अगर साल 2017 में किसी ने उस्मान ख्वाजा से कहा होता कि वो अगले कुछ सालों में भारत जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलेंगे तो शायद ख्वाजा को भी यकीन नहीं होता। साल 2017 छोड़िए, 2021 के अंत में ही अगर किसी ने ये बात कही होती तो भी ख्वाजा को यकीन नहीं होता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को 9 मार्च से शुरू हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक लगाया। ख्वाजा का यह भारत के खिलाफ पहला शतक था। इस सलामी बल्लेबाज ने टेस्ट के दूसरे दिन अपने शतक को 180 रनों की पारी में तब्दील किया और जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि दोहरे शतक से वो चूक गए, लेकिन जितना काम करने की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कर चुके थे। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड में एशेज खेल रही थी। उस सीरीज में उस्मान ख्वाजा को 3 मैचेस में मौका मिला, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और इसके चलते उन्हें टीम से ड्रॉप होना पड़ा। ख्वाजा ने इसके बाद मान लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पर बनी अमेज़न प्राइम के एक वीडियो सीरीज में उस्मान ख्वाजा कहते हैं, मैंने मान लिया था कि मेरी उम्र हो रही है, मैं टीम से बाहर था, यहाँ तक कि सफर के लिए मैं ईश्वर का आभारी था। हे ईश्वर, मुझे 44 मैचेस देने के लिए शुक्रिया। मैंने सोच लिया था कि शायद दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलूंगा। उस्मान ख्वाजा साल 2021 और 22 की एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, लेकिन शुरुआती 3 मैचेस के लिए उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और ख्वाजा अपनी तकदीर स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इसके बाद किस्मत ने एक ऐसी पलटी मारी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। कोरोना वायरस संक्रमण ने पिछले 3 सालों में कई जिंदगियां बदल दी, जिन्होंने दुख और दर्द ही दिए। लेकिन उस्मान ख्वाजा के लिए ये एक मौके के रूप में आया, क्योंकि ट्रेविस हेड सिडनी टेस्ट से ठीक पहले संक्रमित हो गए। ऐसे में ख्वाजा को खेलने का मौका मिला। सिडनी का मैदान ख्वाजा का घरेलू मैदान है। इस मैदान से ख्वाजा अच्छी तरह से वाकिफ है और वापसी के लिए ख्वाजा के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। और ख्वाजा ने इस बात को अपनी पारी से साबित भी किया। ख्वाजा ने पहली पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बना दिए। इसके बाद दूसरी पारी में भी परेशानी भरे हालातों में ख्वाजा के बल्ले से एक शतक निकला और इसके साथ ही ख्वाजा ने अपनी वापसी का जोरदार ऐलान कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।